वेलकम टू माय चैनल शानू ट्रेंड्स। आज की वीडियो रहने वाली है ऑन अमेज़न विंटर वेयर हॉल। सर्दियाँ काफ़ी अच्छे खासे पीक पर आ गई है। अच्छी खासी कलेक्शन में आप सबके लिए आज लेके आए हूँ दैट आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबको पसंद आने वाली है। टोटल मैंने 6 प्रोडक्ट्स इंक्लूड करे हैं। हर एक प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी पसंद आता है आप खरीद सकते हैं आराम से। एंड साथ ही में अमेज़न पर चल रही है वॉर्ड्रॉप रिफ्रेश सेल, जहाँ पर आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मेक श्योर कि इस टाइम का ना, इस सेल का अच्छा खासा फ़ायदा उठाना। तो जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के मैंने पिक करे हैं। या विदाउट एनी मोर डिले लेट्स बिगिन विद दिस अमेज़न विंटर वेयर। पहले तो मैं आपको बता दूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दैट इज़ द सिंबल की स्वेट शर्ट। ऑलरेडी मैंने आपको रिसेंट हॉल में ना सिंबल के काफ़ी सारे स्वेट शर्ट्स पुलोवर वगैरह शेयर करे थे। ये है ब्राइट रेड कलर में, वाइट कलर का प्रिंट मिल जाएगा। एंड द क्वालिटी मैन, क्वालिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी थिक वाला मटेरियल है, डेफिनेटली जो नॉर्दर्न रीजन है, बिकॉज आई एम फ्रॉम जम्मू, यहाँ पर अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो उस लिहाज से मैं बोल रही हूँ कि ये अप्रोप्रिएट है विंटर्स के लिए। स्टफ बहुत ही मोटा अच्छा खासा दे रखा है, पूरी यहाँ पर फ्लीसिंग हो रखी है। एंड इसका जो फिट है ना, वो थोड़ा लूज फिट आता है। सो स्वेटशर्ट लाइक लूज फिट में काफ़ी अच्छी रहती है। सो आप देख सकते हो बिल्कुल, बाकी ये सॉलिड है, फ्रंट एंड बैक बिल्कुल सॉलिड, एंड नेकलाइन कुछ इस तरीके से है। और मैंने इसे ऑर्डर किया है इन द स्मॉल साइज। अगर आप अपने परफेक्ट साइज में भी ऑर्डर करते हैं तभी थोड़ा सा आपको लूज फिट में आएगा, बिकॉज ये है ही ऐसा थोड़ा सा लूज फिट में। एंड इट लुक सो गुड पहनने के बाद, सो नाइस। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट दिस रेड एंड वाइट वॉज लाइक समथिंग मुझे आजकल बड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है, सो दैट्स वाई ऑर्डर दिस। सो ओवरऑल इट इज़ सो गुड। मटीरियल वाइज मटीरियल क्वालिटी इज अमेजिंग। अंदर से पूरा मटेरियल इसी तरीके से फ्लीज मिलेगा, सो आई विल हाईली गोना सजेस्ट। बहुत अच्छा मटेरियल है, दिस इज अ नाइस परचेज। आई विल डेफिनेटली गोना रेट इट 5/5। साथ साथ में हम रेटिंग करते जाएंगे ताकि आपको एक अंदाजा मिल सके कि प्रोडक्ट कैसा है। अनदर थिंग इज कि जो डेफिनेटली विंटर्स में हमें चाहिए ही, सो दिस इज अ टर्टल नेक पुल ओवर, जो बिल्कुल आपको बॉडी हगिंग मटेरियल में मिल जाएगी। एंड इसका जो मटेरियल है दैट इज प्योर वूल, एज एम होल्डिंग इट काफ़ी अच्छा खासा वूल है। आप इसे लेयर ऑन कर सकते हो जैकेट के अंडरनीथ, कोट के अंडरनीथ, इस तरीके से थोड़े डार्क कलर में ना, ब्राउन, बेज, ब्लैक, ग्रे, इस तरीके के आई थिंक टर्टल नेक पुल ओवर आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि आप मल्टीपल वेज में ना इसे स्टाइल कर सकते हो। क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी इज नाइस। बाय द वे यू आर गेटिंग टर्टल नेक जस्ट लाइक दिस, और बाकी आपको इस तरीके से ही डिटेलिंग मिल जाएगी। एंड दिस इज टोटली बॉडी हगिंग स्ट्रेचेबल मटेरियल है, एंड यू आर गेटिंग स्लीव्स लाइक दिस। ये मैंने इसे मल्टीपल वेज में स्टाइल करा है, सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। इस तरीके की आई थिंक टर्टल नेक डेफिनेटली आपके वार्डरोब में होनी ही चाहिए। सो एज अ वार्डरोब रिफ्रेश सेल इज गोइंग ऑन, सो रिफ्रेश अप योर वार्डरोब विद समथिंग लाइक दिस, जो आपको डेफिनेटली लॉन्गर रन में बहुत काम देने वाला है। एंड ऐसी चीज़ें ना जिस नॉट के एक साल काम आएगी, बट हर टाइम कुछ ना कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं। इवन यू कैन वेयर इट अंडरनीथ योर ड्रेस, अगर आपका कोई ऐसा ड्रेस है आपको विंडो में डालना है विद स्ट्रैपी दैट नूडल स्ट्रैप्स, तो आप उसके अंडर भी से डाल सकते हो। 3.5/5। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर करे हैं ये शूज, विच इज बाय द ब्रांड शूटोपिया या शूटोपिया। तो मुझे इसका स्टाइल बहुत काफ़ी अच्छा लगा था, लाइक इमेज देखिए, एंड वैसे ही है। लेदर की क्वालिटी की बात करें, सो लेदर इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क, बट हाँ इट्स लाइक आई विल रेट इट 3.5। इट इज़ लाइक आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चला सकते हो, बट दिखने में ये बहुत ही अच्छे थे। एंड प्लस इसका जो प्राइस है वो काफ़ी फ्रेंडली है, लाइक बजट फ्रेंडली है। सो उसके अकॉर्डिंग आई मीन से कि अच्छी परचेज है, आप डेफिनेटली इसे बहुत टाइम डाल के जा सकते हो। बट हाँ, लॉन्गर रन में इफ यू आर एक्सपेक्टिंग के इसका लेदर फॉल ऑफ नहीं होगा, बट दैट विल जस्ट गेट ऑफ, तो उस लिहाजे से मैं आपको बता रही हूँ। तो अदरवाइज देखने में लुक वाइज काफ़ी अच्छे हैं, सस्ते मिल गए थे, तो दैट वॉज समथिंग जो मुझे चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी। लुक वाइज काफ़ी अच्छे, यू आर गेटिंग सच अ नाइस जिप ओवर, लुक वाइज काफ़ी लेदर जा रहा है। सोल इसकी काफ़ी काफ़ी मोटी है और काफ़ी स्टर्डी क्वालिटी की है, डेफिनेटली आप इसे रेगुलर वेयर में कैरी कर सकते हो। एंड अंदर जो सोल दे रखी है वो स्लाइटली कुशनड है, तो सॉफ्ट रहेगी ना, अच्छे से आपका पैर कंफर्टेबली वेयर कर सकता है। आपको यहाँ से जिप मिल जाती है, जस्ट यू कैन सी। शूटोपिया पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे और भी शूज ऑर्डर करे हैं, दैट इज़ ऑन द वे, तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। अमेजोन पर ही आपको ये मिल जाएगा ब्रांड, सो यू कैन चेक आउट दैट इवेंट।
मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज अ जैकेट जो मैंने ऑर्डर करी है. डेफिनेटली एक अच्छी खासी जैकेट तो आपके वार्डरोब में चाहिए ही चाहिए. नो मैटर कि आप फैमिली के साथ सर्दियों में वेकेशंस पर जा रहे हो कहीं पर, दिस जैकेट दिस इज लाइक अ मस्ट हैव. मैंने बेज कलर में स्लाइट ऑफ थोड़ा सा ब्राउनिश टिंट दे रहा होता है तो लाइक डार्कर बेज वैसा वाला कलर है. क्वालिटी वाइज आई मस्ट से आई एम टोटली सेटिस्फाइड बिकॉज जितना मैंने अमाउंट पे किया है ना उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल पैसा वसूल है. अंदर से भी मैं आपको बता सकती कुछ इस तरीके से आपको दे रखी है लाइनिंग एंड इसके अंदर भी ना फैब्रिक इंसर्टेड है क्योंकि ये काफ़ी थिक है और यू नो जैसे पफर जैकेट लाइक काइंड ऑफ स्लाइटली पफ्ड है तो सर्दी से काफ़ी अच्छा खासा बचाव मिल जाएगा. जस्ट यू कैन सी फिनिशिंग अंदर से काफ़ी अच्छी है एंड इस प्राइस पॉइंट में आई मस्ट से ऐसी जैकेट इट इज़ लाइक वर्थ हैविंग. एंड आपको इस तरीके से ये कैप मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी खासी ये कैप मिल रही है. आप डिटैच भी कर सकते हो, यहाँ पर डिटैच भी हो जाएगी तो विदाउट कैप ऑल्सो आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड विद कैप भी. तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फुली क्विल्टेड है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस देने वाली है फ्रॉम सर्दियाँ. तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी अगर सर्दियों में वेकेशन आपने प्लान करे है किसी यू नो नॉर्दर्न रीजन वाली साइड हिल स्टेशन में, जम्मू कश्मीर में आ रहे हो हमारे या फिर मनाली जा रहे हो कहीं यू नो हिमाचल जा रहे हो, तो आई थिंक उस लिहाज से ये वाली जैकेट ना बहुत ही अच्छा काम करने वाली है आपके लिए. तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो. आई विल रेट इट 5/5 अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट. क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा एंड काफ़ी अच्छी गर्माहट मिलती है. द नेक्स्ट वन विच इज़ बेसिकली अ हुडी. तो ये रही वो हुडी जो सबसे ज़्यादा सस्ती है इस हॉल की, तो आप देख सकते हो. एंड डेफिनेटली ये स्लाइट बिल्कुल हल्की फुल्की सर्दियों के लिए ठीक है. जस्ट लाइक जैसे हैदराबाद मुंबई वाली साइड होती ना हल्की फुल्की सी सर्दी नाम की सर्दी, तो उस सर्दियों के लिए ठीक है. ऐसी स्टेट में रह रही हूँ जहाँ पर काफ़ी सारी सर्दी पड़ती है तो डेफिनेटली आपको लेयर ऑन करना पड़ेगा इसके अंडरनीथ डाल के. करें फैब्रिक की तो आपको पॉलिस्टर का मटेरियल मिल रहा है, तो पॉलिस्टर का मटेरियल मिल जाएगा. इसमें काफ़ी सारे प्रिंट्स थे तो ये डाई प्रिंट में मिल रही है एंड इट इज़ क्रॉप इन साइज. यहाँ पर वेस्ट से आपको फुली ये इलास्टिकेटेड इस तरीके से मिल रही है, जस्ट यू कैन सी. और पूरी स्लीव आपको ये पूरे डाई प्रिंट में मिल जाएगी और गेटिंग इलास्टिक ओवर हेयर. स्मार्ट पीस है. दैट्स इट. हेयर एंड्स माय अमेज़न विंटरवेयर हॉल. कैसा लगा ज़रूर बताना इफ़ इन केस. और इस तरीके से आप अमेज़न विंटरवेयर हॉल देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर लो. एंड प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock, रात के 1 बज रहे हैं एंड आई एम शूटिंग अ वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आए और मेरे एफर्ट को मद्देनजर रखते हुए आप एक लाइक ज़रूर कर देना. थैंक यू सो मच. वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप प्यारा सा कमेंट दे दो. एंड या मेक श्योर टू ग्रैब द वॉटर रिफ्रेश सेव. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल द स्टे स्माइलिंग. बाय बाय. लव यू ऑल.